फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती जो आई हुई है, इसके संबंध में कि अगर आप इन पदों पर भर्ती हो जाते हैं, चाहे वो स्टेनो का पद हो, ग्रुप सी का कोई पद हो या ग्रुप डी का कोई पद हो, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आपकी ज्वाइनिंग जो है वो कहाँ होगी, आपके ज़िले में होगी, आपके पास वाले ज़िले में होगी या कितनी दूर के ज़िले में होगी, ये दोनों ही बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा, और पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे और आप इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट आपको इस भर्ती के लिए इसी चैनल पे मिलने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले स्टेनो की। स्टेनो का जो ग्रेड पे है वो 2800 ग्रेड पे है और इसकी बेसिक सैलरी 29500 होती है। अब बेसिक प्लस डीए, ठीक है, प्लस एचआरए, तीन चीज़ें मिलती हैं इस नौकरी में, तीनों जोड़ के आपके 46,000 के समथिंग जाएंगी और 46,000 में आपका एनपीएस काट लिया जाएगा, ठीक है, जो हर महीने आपका पैसा कट जाता है, एनपीएस फंड में जमा हो जाता है, वो आपका इससे काट लिया जाएगा, बाकी सैलरी आपको इन हैंड मिल जाएगी। इसके बाद ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी का ग्रेड पे है 2000 और इसमें भी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, तीन चीज़ें मिलती हैं और बनती है सैलरी 33,000। इस 33,000 से 33,000 करेक्ट नहीं, 33,000 के समथिंग बनेगी, अप्रॉक्स बनेगी, तो इसमें से आपका एनपीएस का पैसा जो भी बन रहा होगा, 3,000 के समथिंग बन रहा होगा, वो काट लिया जाएगा, बाकी आपकी इनहैंड सैलरी हो जाएगी। ड्राइवर की बात करें तो ग्रेड पे है इनका 1900, इनका वेतन टोटल बनेगा 31,000 के आसपास, ठीक है, 31,000 के आसपास जो वेतन बनेगा इसमें से एनपीएस काट लिया जाएगा, जो भी इनका 2,500 एनपीएस कट रहा होगा। इसके बाद ग्रुप डी की बात करें, ग्रेड पे 1800 है, इनको भी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए मिलता है और कुल सैलरी 28,000 के आसपास बनती है, जिसमें से इनका भी एनपीएस काट लिया जाएगा, ठीक है। एनपीएस में जितना हिस्सा इधर से कटता है उससे ज़्यादा सरकार जमा करके एनपीएस डबल आपके खाते में जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर 2,500 रुपये कटे हैं तो आपके खाते में 5,000 कुछ रुपए का मैसेज आएगा कि इतने रुपए आपके एनपीएस खाते में जमा किए गए। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है, इससे संबंधित कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई भी छोटा मोटा डाउट सैलरी को लेकर हो। अब इसके बाद सैलरी के बाद दूसरी बात जो हमने कही थी, ज्वाइनिंग की बात, ठीक है। देखो, अगर आपकी मेरिट में बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है, आपने जो रिटर्न दिया उसमें अच्छे नंबर आए और आपके डिस्ट्रिक्ट में इस पोस्ट की जगह खाली है, डिस्ट्रिक्ट में इसकी ज्वाइनिंग होती है, तो आपके ज़िले में जो कचहरी है वहाँ इस पोस्ट के लिए जगह खाली है और आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जगह नहीं खाली है तो आप अच्छे नंबर भी ला रहे हैं तब भी आपको अदर डिस्ट्रिक्ट कोई दे दिया जाएगा, और अगर आप बहुत अच्छे नंबर नहीं ला रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया है तो फिर यूपी के किसी भी जिले में आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, ठीक है, यूपी के किसी भी जिले में आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। मैंने देखा है, बलिया का रहने वाला बच्चा मुरादाबाद में नौकरी कर रहा है, ठीक है, मुरादाबाद का रहने वाला बच्चा बस्ती में, गोरखपुर में नौकरी कर रहा है, महाराजगंज में नौकरी कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही लखनऊ का रहने वाला बच्चा बलिया में नौकरी कर रहा है, लखनऊ का रहने वाला बच्चा मेरठ में नौकरी कर रहा है। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कोई सा भी जिला दे दिया जाता है, पर अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपके ज़िले में वैकेंसी है तब आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे ज़रूरी बात है नंबर अच्छे हों और आपके डिस्ट्रिक्ट में जगह भी खाली हो, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। उम्मीद है दोनों जानकारी आपको बेहतर लगी होंगी। अगर कोई सा भी प्रॉब्लम इसमें, कोई सी भी बात में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। और ये चैनल मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस भर्ती के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो होता है सिस्टम में, जैसी भर्ती प्रक्रिया जैसा काम है, वो सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।